बोकारो जिला के बेरमो विधानसभा चुनाव को लेकर जुबानी जंग खूब देखने को मिल रही है, जहां पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर वार पलटवार जोरदार तरीके से करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बात अब बड़े भाई और छोटे भाई तक आ पहुंची है, जहां एक दूसरे को नसीहत के तौर पर एक दूसरे के समर्थन में बैठ जाने की सलाह तक देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। बेरमो विधानसभा के चुनावी मैदान में दो चिर प्रतिद्वंदी आमने सामने हैं। एनडीए सह भाजपा प्रत्याशी के तौर पर जहां बड़े भाई की भूमिका में गिरिडीह लोकसभा से 5 बार के सांसद रहे रविन्द्र पांडे चुनावी मैदान में हैं, तो वहीं छोटे भाई की भूमिका में इंडी सह कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह के पुत्र कुमार जयमंगल सिंह। ऐसे में मुंह बोला बड़ा भाई होने के नाते छोटे भाई को नसीहत तक देते हुए दिखाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी जीत पक्की है। ऐसे में छोटे भाई होने के नाते बड़े भाई के समर्थन में बैठ जाएं, नहीं तो दाना तूफान की तरह भाजपा और एनडीए की ऐसी आंधी चलेगी फिर जहां कोई टिक नहीं पाएगा। वहीं इस पर पलटवार करते हुए इंडी गठबंधन सह कांग्रेस प्रत्याशी कुमार जयमंगल सिंह ने कहा कि हम उनके छोटे भाई हैं और वो मेरे बड़े भाई हैं, इस नाते हम उनको नसीहत देते हैं कि अपना दिल बड़ा करते हुए उन्हें हमारे समर्थन में बैठ जाना चाहिए, नहीं तो 23 तारीख के रिजल्ट में पता चल जाएगा कि जीत किसकी होगी और हार किसकी होगी। बताते चले कि जैसे जैसे मतदान की तारीखें नजदीक आ रही हैं, वैसे वैसे जुबानी जंग खूब देखने को मिल रहा है। नसीहत उनको हम इतने देंगे कि बल्कि अपना माहौल को देख ले, मैं अभी समय है, प्रतिष्ठा इसी में उनकी कि मैदान में समर्थन दे दे मैं भारतीय जनता पार्टी को, समझे ना, मैदान से हट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। सलाह ये दूंगा मैं, उसमें ज़्यादा प्रतिष्ठा बचेगा। मान लीजिए कोई इंडिपेंडेंट खड़ा है और हम लोग उनसे निवेदन किए कि भैया हमको आपका समर्थन दे दीजिए, कहा ऐसा कर रहे हैं, अब वो अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो ये कहे कि हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बैठते हैं, कितना सम्मान उसका होगा, शायद उसकी प्रतिष्ठा बच जाएगी। देखिए जब तक ये मुट्ठी बंद है 1.25 लाख का है, मुट्ठी खुल जाएगा पता चल जाएगा क्या है, खुला हुआ है तो खुला बहुत तो इसमें रुके हुए हैं कि अब तो हम फंस गए हैं, वो फंस गए हैं चुनाव में, उनकी गाड़ी जो है ना फंसी हुई है, कितनों गियर बदलेंगे तो भर कमर कर गाड़ी कहीं फंस जाए तो फोर व्हील भी लगाएंगे तो नहीं निकलेगा, फोर व्हील रहता है ना जीप गाड़ी में, उसमें भी नहीं निकलने जा रहा है। नसीहत नहीं, मेरा सुझाव है, आग्रह है, निवेदन है, आकलन अपना कर रहे अभी नहीं, अब चुनाव लड़े हैं, 1 हफ्ता पहले अपना समझ ले कि मेरी स्थिति क्या है, अभी बोलने से क्या फ़ायदा है। 1 हफ्ता बाद आप मेरे पास आइएगा और हमारे पास आने के पहले सामने वाले के पास भी जाइएगा, पता चल जाएगा। ऐसे अगर यहाँ 14 प्रत्याशी हैं, आप किसी से भी मिलिएगा, कोई कहेगा कि हम चुनाव हार रहे हैं? कोई नहीं कहेगा, सब कहेंगे हम चुनाव जीत रहे हैं, कहना भी चाहिए, नॉमिनेशन वो किया है, उसका राइट है, हमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी हैं और ये जीत कार्यकर्ताओं की होगी, भारतीय जनता पार्टी की होगी, देश के हमारे प्रधानमंत्री हैं उनकी जीत होगी, रविंद्र पांडे तो एक सिंबल है, हमारा क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। हम 5 बार एमपी भी रहे हैं, सब लोग जानते हैं मेरे बारे में कि हम क्या अच्छा किए क्या बुरा किए, किसका हमने क्या नुकसान किया, किसको हमने क्या फ़ायदा दिलवा दिया, ये बतलाने की ज़रूरत नहीं, सारे लोग जानते हैं। और हम तो चाहेंगे बाज़ार में आप आए हैं तो बाज़ार में घूमिए, एक एक व्यक्ति से पूछिए, राय लीजिए। अच्छा एक चीज़ और भी खड़े हो गए, नहीं चलता है यहाँ पर, चलता है तो हमारे पूर्वजों का आदर्श चलता है, उसी के तहत हम लोग अपना काम करते रहते हैं। लेकिन बड़े भाई को सलाह दे रहे हैं कि हम जीत रहे हैं नंबर वन पर, वो सलाह नहीं दे रहे, वो प्रचार कर रहे, वो मेरे को सलाह नहीं दे रहे, वो मीडिया में प्रचार कर रहे,
प्रचार करना उनका काम है, करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चुनाव के बाद भी बड़े भाई रहेंगे। बोले कि छोटे भाई अभी सरेंडर कर दें, बड़े भाई जीत रहे हैं, नंबर वन पर है, बाकी कोई पार्टी है। बड़े भाई को तो दयालुपन दिखाना चाहिए, बात बाकी आप वो समझे और उनकी पार्टी समझे। 23 तारीख को पता चल जाएगा आपको कि बेरमो में कौन जीतता है। तो आप छोटे भाई होने के नाते क्या सलाह? मैं उनको कोई सलाह दे ही नहीं सकता, मैं छोटा हूँ तो सलाह क्या दूंगा।